साथियों, स्वागत है आपका बहुजन टीवी पर। आज बहुजन टीवी की टीम पहुंची है दिल्ली और हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट, भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश प्रभारी। आइए जानने की कोशिश करेंगे, जब से चंद्रशेखर आज़ाद रावण की रिहाई हुई है, 2019 के चुनाव आने वाले हैं और राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में जो उथल पुथल हुई है चंद्रशेखर रावण को लेकर, इस बारे में बात करेंगे सुजीत जी, कुछ प्रकाश डालेंगे। सुजीत जी, बसपा और भीम आर्मी के ऊपर लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद कोई आरोप लगा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुजनों की पार्टी है और बहन जी आयरन लेडी हैं, इस देश की आयरन लेडी हैं और हम उनका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, ये कहा है। मगर उन्होंने कहा कि जो मेरी बुआ जी हैं वो मेरी सगी हैं, खून का रिश्ता है, हम लोग बड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी को देख के, बहन कुमारी मायावती को देख के, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। और भाई बहन जी अब कहती हैं कि भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो अलग बात है। अगर बड़े कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि भाई जो छोटे हैं भाई चंद्रशेखर, हम लोग जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं वो बहन जी से आदर्श मानते हैं अपने आप को और बहन जी आदर्श हैं देश में बहुजन समाज की, तो हमारी कोई ना नाराज़गी है ना कुछ है। बहन जी अपना काम कर रही हैं और भीम आर्मी अपना काम कर रही है। लगातार मीडिया में आरोप प्रत्यारोप, जैसा मैंने भी आपसे सवाल पूछा, लगातार मीडिया में परसों के अखबार नवभारत टाइम्स में लिखा है कि विनय रतन जी ने ये कहा है कि जब जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण जेल से विदा रिहा हुए हैं, कहीं ना कहीं बसपा के अंदर एक डर का माहौल है। नहीं नहीं, डर तो कोई ऐसा ऐसी कोई डर की बात नहीं है, ना ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है। देखो डर नहीं है, देखो हम सामाजिक संगठन है और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक संगठन है, तो एक दूसरे को किसी का डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद या भीम आर्मी के लोग चुनाव तो लड़ नहीं रहे, तो डर फिर किस बात का। हम समाज में जो विषमता है, समाज के अंदर जो क्रूतियां हैं या जो अत्याचार लोग अत्याचार कर रहे हैं समाज के ऊपर, उनको ख़त्म करने के लिए भीम आर्मी का उदय हुआ है। भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के जो करोड़ों साथी हैं वो अत्याचार के खिलाफ हैं, जितने भी अत्याचारी लोग हैं उनके खिलाफ हैं, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुजन की पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी से ना तो कोई हमारा बैर है ना कुछ है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, नेतृत्व करे, बहुजनों की बात करे, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात की है और बहुजन समाज पार्टी इनका नेतृत्व करती है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि OBC समाज को आगे आना चाहिए, मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, SC ST समाज को आगे आना चाहिए, जब ही बहुजन की बात हो पाएगी। और गठबंधन को सहयोग करने की बात करिए, हम गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन आगा तो इस देश के अंदर जो मनुवादी सरकार है BJP RSS, उसका हम उखाड़ के फेंक सकते हैं, उसको इस देश से भगा सकते हैं। मीडिया जो है वो बहुजन जो मीडिया वो समझता है इस चीज़ को, मगर जो स्टीम मीडिया है जो हमारी आवाज़ को आज तक उठाने का काम ही नहीं किया, बहुजनों की आवाज़ को उठाने का काम ही नहीं किया, वो जानबूझकर इस मुद्दे को, देखो जितने भी लोग इंटरव्यू लेने आए हैं, चाहे वो आज तक के हों चाहे और अलग वो चैनल के लोग हों, उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि 2019 में चंद्रशेखर का क्या रुख है, चंद्रशेखर का क्या रुख है। और ये बहन कुमारी मायावती और जो हमारा संगठन है, हमारा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, उसके बीच में ऐसी समाज के अंदर एक ऐसा भ्रम फैलाना चाहते हैं, एक ऐसा डाउट पैदा करना चाहते हैं जिससे कि एक दूसरे जो लोग हैं वो एक दूसरे पर कीचड़ उठाने लगे। जबकि मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी है वो हमारी आदर्श हैं, बहन कुमारी मायावती हमारी आदर्श हैं और बहन कुमारी मायावती देश की आयरन लेडी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, हमें तो बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनके खिलाफ नहीं है, भीम आर्मी समाज के लिए काम कर रही है, समाज के नौजवानों के लिए काम कर रही है, बहुजनों के लिए काम कर रही है, हम लोग बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, बहुजनों के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं और बहुजन समाज से हम आग्रह करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो आएँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में काम करें, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के जो विचार हैं उनको जन जन में पहुंचाने का, घर घर में पहुंचाने का काम करें। और आज अगर बहुजन नौजवान घरों में बैठा रहा तो फिर वो दिन कभी नहीं आएगा जब ऐसी ताकतों को हम देश से बाहर निकाल पाएंगे। आज मौका है 2019 का कि भाई चंद्रशेखर के जो आह्वान किया भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कि BJP और RSS को इस देश की जो विचारधारा है उन लोगों की, उस विचारधारा को देश से अलग निकालना है, उस विचारधारा को हमें कमज़ोर बनाना है। अगर आप लोग घर पर बैठे रहे तो वो विचारधारा कभी कमज़ोर नहीं हो पाएगी, इसलिए आप लोगों को आगे निकलना है और नेतृत्व को संभालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है साथियों। देश के करोड़ों बहुजन युवा चंद्रशेखर रावण के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। 2000 चुनाव में चंद्रशेखर रावण ने जैसा कि कहा है
कि हम बसपा के साथ हैं, लेकिन फिर भी खुलकर वो उनके संकेत का इंतजार कर रहे हैं। देश के उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो भाई, चंद्रशेखर आज़ाद का बिल्कुल क्लियर कहना है कि हम बहुजन मूवमेंट जो है, जो गठबंधन है, गठबंधन के साथ हैं जी। गठबंधन में बहन कुमारी मायावती को आना पड़ेगा, नहीं तो 2014 की आपने समीकरण देखे हैं, 2014 में 7 जो MP आए थे वो सपा के MP आए थे, हमारे 0 आए थे, और जो देश की बड़ी पार्टी 70 साल तक रही है उसके 2 MP आए थे, और जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सरकार चलाने वाले जो लोग थे पहले, जो वो आपका अजीत सिंह के तो एक भी सीट नहीं आई है। इसलिए अगर सारे लोग मिलकर अगर नहीं लड़ेंगे, गठबंधन नहीं बनाएंगे, तो जो मनुवादी ताकत हैं, जो BJP RSS है, तो दोबारा देश के अंदर आ जाएगी। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद का क्लियर कट कहना है कि आपको गठबंधन के साथ रहना है, गठबंधन को समर्थन देना है, गठबंधन को मजबूत बनाना है। इसलिए हमारी गुजारिश है बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती से, हम गुजारिश करते हैं कि अगर देश को, बहुजनों को बचाना है, अगर इस देश में न्यायप्रिय सरकार लेके आनी है, संविधान को बचाना है, तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा, और गठबंधन के साथ जाकर आपको बहुजनों की आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो देश का प्रधानमंत्री इस बार बहुजन बनना तय है? बिल्कुल बहुजन बनना तय है, और बहन कुमारी मायावती बने तो हम तो बहुत अच्छे खुश होंगे भाई। हमारी इच्छा है कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और अगर वो देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, मगर वो बहुजनों के बिना नहीं बन सकती हैं। अगर वो सोचें अकेली बन जाएंगी बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी अकेली देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी, नहीं बन सकती हैं। जब तक बहुजन मूवमेंट नहीं बनेगा, जब तक गठबंधन नहीं बनेगा, जब तक सारी सरकारें मिलकर नहीं लड़ेंगी, जब तक देश का प्रधानमंत्री ना तो बहन कुमारी मायावती बन सकती हैं, ना कोई और बन सकता है। वही मनुवादी ताकत वाले लोग बनेंगे जो आज तक बनते आए हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है, हम सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन के लोगों की गुजारिश है आप लोगों से, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो सपा के लोग हैं, चाहे बसपा के लोग हैं, चाहे और किसी अन्य पार्टी के लोग हैं, कि सारे मिलकर लड़ाई लड़ें, क्योंकि बहुजन की लड़ाई आप लड़ने का अगर वादा करते हैं तो सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़ें, अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हम ये सोचेंगे कि आप बहुजनों की लड़ाई न लड़ें, अपनी अपनी घर की परिवार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप बहुजनों से प्यार करते हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो सारे लोग मिलकर गठबंधन बनाकर इस सरकार को उखाड़ने का काम करें। जब तो सब पूरा समाज, बहुजन समाज आपके साथ है, अदरवाइज तो आप अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे तो बहुजन ऐसे ही पिसते रहेंगे, ऐसे लोग जेलों में जाते रहेंगे, ऐसी कत्ल होता रहेगा, ऐसी मॉब लिंचिंग होती रहेंगी, ऐसी देश के अंदर गाय के नाम पर लोगों को मारा जाएगा, ऐसी देश के अंदर हाहाकार होता रहेगा। आप मेरठ गए थे, आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के रूप में आप योगेश वर्मा जो हस्तनापुर के पूर्व विधायक रहे हैं, आप मेरठ में उनसे अस्पताल में मिलकर भी आए, क्या लगता है 2 अप्रैल का जो पूरा आंदोलन था उसमें जो हमारे जवान अभी तक जेल के सलाखों में हैं, उनमें योगेश वर्मा का नाम प्रमुखता से आता है, बावरा साहब का और हमारे हैदर खान साहब का नाम प्रमुखता से आता है, 4-5 साथी जो हैं जिनके ऊपर NSA लगी है, क्या लगता है सरकार इनको भी रिहा करने की सोच रही है? नहीं, बिल्कुल सरकार को रिहा करना चाहिए, क्योंकि 2 अप्रैल के जो मुकदमे हैं, 2 अप्रैल के मुकदमे में हज़ारों की तादाद में देश के नौजवानों को, बहुजन नौजवानों को जेल में डालने का काम किया, उनमें से योगेश वर्मा जी थे, उन पर से राशुका हटा दी है, और मुजफ्फरनगर में 3 हमारे साथी हैं, उपकार बाबरा, विकास मैडन और अर्जुन, उन तीनों पर NSA लगा रखा है, वो तीनों निर्दोष साथी हैं हमारे, उन पर भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सरकार इतना अत्याचार ना करे, कि बहुजनों पर इतना अत्याचार ना करे कि बहुजन जाग जाएं और तुम्हारी सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। इसलिए न्यायप्रिय सरकार होनी चाहिए, न्याय करे उनके साथ में, क्योंकि जो 2 अप्रैल 2018 का जो पूरे देश के अंदर मूवमेंट हुआ, पूरे देश के अंदर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हमारे 12 शहीद, हमारे जो 12 परिवारों को आज तक सरकार ने कोई भी अनुदान नहीं दिया है, कोई ऐसी सुविधा नहीं करी है, वो तो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने उनका सहयोग दिया, साथ दिया है। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि सरकार न्याय करे, क्योंकि सरकार न्याय के लिए होती है, और जो लोग निर्दोष हैं, जिनको जेलों में डाला गया है, उनको निकाला जाए, जल्दी से जल्दी उनको जेल से बाहर निकाला जाए, और जिन पर राशुका लगाई है वो राशुका हटाई जाए, और देश में न्यायप्रिय सरकार होनी चाहिए। दिल्ली में भीम आर्मी के 3 कार्यक्रम हुए और तीनों कार्यक्रम रिकॉर्ड तोड़ा, अभी तक का इतिहास दिल्ली में ऐसे कार्यक्रम नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज का जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर कर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जितने भी बहुजन समाज के नौजवान साथी हैं, साथियों बाहर निकलो, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली से पूरे देश के अंदर मैसेज आता है। अगर आप लोग घरों में बैठे रहेंगे तो जो हमारे साथी बिहार में, पंजाब में, गुजरात में और अन्य राज्यों में जो बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं साथी, वो कमज़ोर हो जाएंगे। आप बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप पैसे वाले लोग हैं, आप सुविधा वाले लोग हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है,
आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, घरों से बाहर निकलना है। और अभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत जल्दी प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला है, रामलीला ग्राउंड में हम प्रोग्राम करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं, और आप सब लोगों को निकल कर दिल्ली सरकार को और दिल्ली जो दिल्ली में सेंटर की सरकार है, मोदी सरकार है, उसको बताना है कि बहुजन नौजवान साथी तैयार हो चुका है। आप लोग जो कर रहे हैं देश के अंदर, जो आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, आप लोग गाय के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को जेलों में भेजने का काम कर रहे हैं, वो बंद करें, क्योंकि बहुजन समाज के लोग आपकी सरकार को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कमर कस ली है, 2019 में वो आपकी सरकार को उखाड़ कर देश से फेंकने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत बड़ा शब्द रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस शब्द के अंदर बदलाव आया है। वो हिंदू मुस्लिम एकता का शब्द दलित मुस्लिम एकता की तरफ अग्रसर होता नजर आ रहा है। देखो, हम लोग तो जो मुस्लिम साथी हैं हमारे, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि वो लोग हैं, उनकी भी समस्या हैं, और हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं, हम मिलकर साथ में काम करना चाहते हैं, और जो फरकापरस्त ताकतें हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं, हम उनसे साथ में लड़ना चाहते हैं। जब तक आप लोग साथ में एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, जब तक बहुजन मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, ये आपको भी पीटते रहेंगे और दलितों को भी पीटते रहेंगे। लाठी एक है मगर कमर अलग अलग हैं, कभी आपको पीटा जाता है, कभी हमको पीटा जाता है। इसलिए सारे लोगों को, जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज में हमारे भाई हैं, नौजवान साथी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और इस देश के अंदर एक जो मूवमेंट बन रहा है भीम आर्मी के नाम से, उस पर सहयोग करना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहिए, उनकी विचारधारा को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम करना चाहिए। जब इस देश के अंदर जो ताकतें हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, वो जो ताकतें हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, जब ये रुक सकती हैं, जब ये उनके लगाम लग सकती है, अगर आप लोग घर बैठे रहे तो कभी इन ताकतों पर लगाम नहीं लगेगी। साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं और आपसे वादा भी करते हैं कि अगर आप लोग तैयार हो गए, जो ओबीसी समाज के लोग अगर तैयार हो गए, अगर मुस्लिम समाज के लोग तैयार हो गए भीम सैनिकों का साथ देने के लिए, तो ये ताकतें जो हैं ये शांत हो जाएंगी। ना किसी भाई पर, ना किसी जो भाई हैं हमारे, ना तो जुर्म होगा, ना जाति होगी, ना जेल में डाला जाएगा, ना गाय के नाम पे मारा जाएगा उन लोगों को, और उनके साथ में न्याय किया जाएगा, उनको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जाएगी, एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी उनके बच्चों के लिए, और सारी सुविधा मिल पाएंगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है बाहर निकलकर इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना 2019 में। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है किस तरह एकत्रित होना है, किस तरह इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। ये शब्द हैं सुजीत सम्राट के, दिल्ली प्रभारी भीम आर्मी दिल्ली प्रभारी सुजीत सम्राट जी हमारे साथ थे। मैं बहुजन टीवी से मनोज अंतानी, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन गौतम के साथ दिल्ली, जय भीम, नीली क्रांति।